नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, वो करेंगे लूप्स के अंदर, व्हाइल लूप्स। तो अगर हम व्हाइल लूप्स की बात करते हैं, इसको हम यूज करते हैं किसी प्रोग्राम के पार्ट को मल्टीपल टाइम वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए या रिपीट करवाने के लिए। बेसिकली अगर हम किसी भी लूप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लूप स्ट्रक्चर हमारा तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा बनता है इनिशियलाइजेशन, जब हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम पार्ट के अंदर देख रहे हो, मैंने लिया है इंट आई इक्वल टू वन। तो जब मैंने आई इक्वल टू वन लिया, वो मेरा किसी भी वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट है कि मेरी वर्किंग को वो वन से स्टार्ट करे। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमारे पास आता है कंडीशन पार्ट, जहां पर मैं ये परफॉर्म करता हूं कि मेरी वर्किंग जो परफॉर्म करे वो कहां तक करे। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इसी तरह से लिया है व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। तो जहां पर मैंने लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया, तो वो क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसके बाद वर्किंग को स्टॉप कर सकता है। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास लूप्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये डिपेंड करता है हमारे इनिशियलाइजेशन के ऊपर और कंडीशन के ऊपर कि हमने इनिशियलाइज कैसे किया है और कंडीशन क्या दी है, तो उसके बेस पे मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा या डिक्रीमेंट करूंगा। तो जब तक हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करते, वो लूप के अंदर ही रहता है, लूप से बाहर नहीं निकल सकता, जिसको हम इटरेटिव लूप्स कहते हैं, जो आपकी वर्किंग को परफॉर्म करती रहेगी, वो कभी भी हटेगा नहीं, लूप से बाहर ही नहीं आएगा। तो आपकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू परफॉर्म होती रहेगी। अब मैंने अपने प्रोग्राम में क्या किया, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया और नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो सबसे पहले वैल्यू क्या थी, 1 प्रिंट हुई, नेक्स्ट लाइन में गई। सपोज कीजिए मैं आई में इंक्रीमेंट ना करता, वो लूप के अंदर ही घूमती रहती, क्योंकि I 10 से लेस रहता या 10 के इक्वल रहता, जो मैंने वैल्यू डाली है, और वो उसी लूप में वर्किंग को परफॉर्म करवाता रहता। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ I का इंक्रीमेंट किया, तो I के इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ कि मेरे पास 1 वैल्यू 2 में कन्वर्ट हुई, उसने फिर चेक किया 2, 3 में कन्वर्ट हुई, फिर चेक किया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब वो 10 पे पहुंची, उसने देखा कि इक्वल टू है 10 के, ट्रू है अभी भी, वो आगे गया, वर्क को परफॉर्म किया, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू हुई 11, वो लूप से बाहर हो गया। वही चीज आपको यहाँ डायग्राम के अंदर है, मैं कंडीशन के अंदर गया, उसने कंडीशन चेक की I less than equal to 10, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो मेरी ट्रू हुई। आगे परफॉर्म किया, परफॉर्म में क्या किया, I को प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, आगे गया, फिर चेक किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे वो 11 हुआ, वो फॉल्स पार्ट पे कर उसने वर्किंग को यहाँ पर स्टॉप करना, वर्किंग को परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो जो वर्किंग परफॉर्म करना बंद हो गई, अब आप लूप से एग्जिट कर सकते हो और आगे की वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स क्या है, व्हाइल कंडीशन जो कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो अगर आप देखिए, मैंने व्हाइल कंडीशन कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये व्हाइल का बॉडी पार्ट है जहां पर आपको वर्किंग को परफॉर्म करना है। इस तरह से वर्किंग को यहां यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग को यूज करते हैं। तो ये देखिए मेरा सी प्लस प्लस का एडिटर है। मैं यहां पर सबसे पहले दो हेडर फाइल्स को लगाता हूं, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main, और यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं int i, जो मेरा लूप की वर्किंग को परफॉर्म करवाएगा। क्लियर स्क्रीन, मैंने यहां पर while लूप को लगाया, while i less than 5, वो क्या करे, सी आउट वेलकम। अब देखिए मैं इतने काम को कर चुका हूं, मैंने कंडीशन यहां प्रोवाइड कर दी, लेकिन ना तो मैंने ये बताया कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो और ना ही उस वर्किंग को मैंने आगे परफॉर्म किया। तो ये दोनों काम मेरे लिए जरूरी है। सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर देता हूं कि अगर मैं आई की वैल्यू 0 लेता हूं तब रिजल्ट क्या होगा, और यहां मुझे आई को इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस करके। इसी तरह से मैं यहां पर गेट करेक्टर करता हूं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो उसने दिखा दिया वेलकम 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 वेलकम, यानी कि वर्किंग रिपीटेशन के अंदर है। मैं कहता हूं मुझे यहां ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए स्लैश एन वेलकम 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 वेलकम। अब मेरे पास रिजल्ट कितना है, 5। क्यों, क्योंकि मेरी वर्किंग 0 से चली लेस देन 5 तक चली, मतलब 0 to 4। तो जब 0 to 4 चली, 0, 1, 2, 3, 4, आपके पास 5 एलिमेंट हो गए। अब इसी चीज को अगर मैं यहां 1 से स्टार्ट करूं, तो ये रिजल्ट मेरे पास कितने होंगे, 4। मैं कभी ये भी कहता हूं कि यार मुझे एक बार ये तो प्रिंट करा दे कि मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, तो आपको आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा कि आई की आपकी ये वैल्यू है, उसके हिसाब से आप रिजल्ट को शो कर रहे हो। मैं कंट्रोल F9 करता हूं,
तो 1 2 3 4 आपके पास चार, लेकिन अगर आप इसको जीरो से स्टार्ट करते हो तो ये वर्किंग वे आपकी जीरो से ही स्टार्ट करेगा और आपको रिजल्ट वैसा ही प्रोड्यूस करेगा, 0 1 2 3 4। अब अगर मैं इसको वन इनिशियलाइज करना चाहता हूँ और रिजल्ट 5 देखना चाहता हूँ तो उस केस में मुझे यहाँ लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, तब ये मेरे पास वो टोटल 5 रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा। मैं कहता हूँ कि मुझे इस वर्किंग को परफॉर्म करना है किस तरह से, कि लिमिट भी मैं अपने हिसाब से एंटर करूँ। मैं करूँगा सी आउट एंटर लिमिट, और एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ लिमिट को दिखाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एन, और उस लिमिट को मैं स्टोर करवा दूंगा एन के अंदर, सी इन एन। अब एन को मैं यहां रख दूंगा। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वर्किंग को कितना परफॉर्म करवाना चाहता हूं। मुझे 15 रिजल्ट देखने हैं, आपके लिए इजी हो गया। मैं कहता हूं मुझे 15 नहीं, मुझे तो 5000 रिजल्ट देखने हैं, तो आपके लिए वर्किंग करना काफी इजी हो जाता है। आप कितनी भी वर्किंग यहां पर परफॉर्म करवा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।